हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रैक। आज है 23 सितंबर 2020। आज हम जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाए ताकि आप नोटिफिकेशन जल्दी पा सकते। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। हाल ही में किस दिन को विश्व अल्जाइमर्स दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 11 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर, 21 सितंबर। और इसका आंसर होगा 21 सितंबर। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज ऑब्जर्व 21 सितंबर एवरी ईयर। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल को 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस साल का थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। चलो मनोभ्रष के बारे में बात करते हैं। द डे एम्स टू क्रिएट ए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी टू रेज अवेयरनेस एंड हाईलाइट इश्यूज फेस्ड बाय पीपल अफेक्टेड बाय डिमेंशिया। इस दिन का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विश्व अवसर तैयार करना है और मनोभ्रष्ट से प्रभावित लोगों के सामने आने वाला मुद्दों को उजागर करना। द फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज वॉज इन 1906। अल्जाइमर रोग का पहला निदान 1906 में हुआ था। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज इज फॉरगेटफुलनेस। अल्जाइमर रोग का सबसे आम लक्षण है भूलने की बीमारी। ए पर्सन विल फॉरगेट इम्पोर्टेंट डेट्स, नेम्स और इवेंट आस्किंग फॉर द सेम क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर। एक व्यक्ति महत्वपूर्ण तिथियां, नामों और घटनाओं को भूल जाएंगे और वो एक ही सवाल बार बार पूछते रहेंगी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली ऑन द आईजी नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एडुकेशन। हाल ही में किसने चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 के खिताब जीता है? इसका ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और नानक दीज। और इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ऑन 17 सितंबर 2020 नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द मेडिकल एडुकेशन प्राइज ऑफ आईजी नोबेल प्राइज 2020 एट द 31st आईजी नोबेल प्राइज सेरेमनी। 17 सितंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईजी नोबेल पुरस्कार जीता है चिकित्सा शिक्षा के लिए। ही बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया टू विन द आईजी प्राइज आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी। वो भारत से ऐसा दूसरा प्रधानमंत्री है जो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये पुरस्कार जीता है। अबाउट द आईजी नोबेल प्राइज, इट इज एन एनुअल सार्कास्टिक और ए पैरोडी अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द मैगजीन एनल्स ऑफ इम्पॉसिबल रिसर्च। ये वार्षिक व्यंगात्मक पत्रिका द्वारा प्रस्तुत एक पैरोडी पुरस्कार है जो एनल्स असंभव अनुसंधान से लिया गया है। आईजी नोबेल अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1991 बाय मार्क अब्राम्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू ऑनर द अचीवमेंट्स दैट मेक पीपल लाफ एंड देन थिंक। आईजी नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1991 में मार्क अब्राम ने की थी और वो उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार स्थापित किया था जो हंसाते हैं और फिर सोचने पर मजबूर करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड घर तक फाइबर स्कीम। हाल ही में किस राज्य में घर घर फाइबर योजना शुरू की है? इसका ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, पंजाब और गुजरात। और इसका आंसर होगा बिहार। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड घर तक फाइबर स्कीम इन बिहार ऑन 21 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में घर घर फाइबर योजना शुरू की है। अंडर दिस स्कीम ऑप्टिकल फाइबर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड टू द हाउसहोल्ड्स। इस योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर सेवा प्रदान किए जाएंगे हर घर तक। दिस स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। इट विल कनेक्ट 45,945 विलेजेस इन द स्टेट और ये राज्य में 45,945 गांव को जोड़ेंगी। आज का चौथा क्वेश्चन है, हु रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्रिस्पर COVID-19 टेस्ट नेम्ड फेलुदा। हाल ही में किसने भारत का पहला क्रिस्पर COVID-19 टेस्ट विकसित किया जिसका नाम दिया गया फेलुदा? इसका ऑप्शन है सन फार्मा, टाटा ग्रुप, ICMR और नानक दीज। और इसका आंसर होगा टाटा ग्रुप। ऑन 19 सितंबर 2020 ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर द कमर्शियल लॉन्च ऑफ फेलुदा FMCA S9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे इंडिया फर्स्ट क्रिस्पर क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पेलिंड्रोमिक रिपीट्स टेस्ट। 19 सितंबर 2020 को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए इसको अनुमोदन दिया है जिसका नाम दिया गया फेलुदा। तो भारत का पहला ऐसा क्रिस्पर टेस्टिंग किट है। इट इज डेवलप्ड बाय CSIR IGIV एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय टाटा ग्रुप और इस टेस्ट को विकसित करेंगी CSIR IGIV और इसका
उत्पादन करेंगी टाटा ग्रुप। अबाउट CSIR IGIV, इसका डायरेक्टर है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया। अबाउट टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। आज का पांचवा क्वेश्चन है, रिसेंटली इन व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल रेड पांडा डे, हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका ऑप्शन है 10 सितंबर, 13 सितंबर, 16 सितंबर, 19 सितंबर और इसका आंसर होगा 19 सितंबर। द इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज ऑब्जर्व ऑन थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। दिस ईयर द डे फॉल्स ऑन 19 सितंबर 2020। इस साल 19 सितंबर 2020 को ये दिन मनाया गया है। द डे एम्स टू क्रिएट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द रेड पांडा एमंग द जनरल पब्लिक एंड टू सपोर्ट कंजर्वेशन ऑफ रेड पांडा। इस दिन का उद्देश्य लोगों के बीच लाल पांडा के संरक्षण और उसके देखभाल के लिए जागरूकता पैदा करना। द डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 18 सितंबर 2020 और ये दिन पहली बार मनाई गई थी 18 सितंबर 2020 को। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज क्लासिफाइड द रेड पांडास एज इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने लाल पांडा को लुप्तप्राय प्रजातियों के श्रेणी में रखा है। आज का छठा क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज मेमोरियल ए प्रॉमिस्ड लैंड, किसने हाल ही में अपने शरणार्थक पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड की घोषणा की है। इसका ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल गेट्स और नाना दीज और इसका आंसर है बराक ओबामा। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज अनाउंस्ड हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मेमोरी टाइटल्ड ए प्रॉमिस्ड लैंड। पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने पहले राष्ट्रपति के शरणार्थक पुस्तक घोषणा किया जिसका नाम दिया गया ए प्रॉमिस्ड लैंड। द 768 पेज बुक विल बी पब्लिश्ड इन नवंबर 2020 बाय पेंगुइन रैंडम हाउस एंड इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन नवंबर 17, 2020 इन 25 लैंग्वेजेस। 868 पेज की एक किताब को नवंबर 2020 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगी और इस पुस्तक को 25 भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा जो 17 नवंबर 2020 को होगी। द फर्स्ट टू वॉल्यूम्स ऑफ द बुक टेल्स अबाउट हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ, इस पुस्तक का पहले दो खंड उनकी प्रारंभिक राजनीति के बारे में बताता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज रिसेंटली ऑन इटालियन ओमेन मैन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट, हाल ही में इटालियन ओपन मैन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीती है। इसका ऑप्शन है रोजर फेडरर, नोवाक डिजोकोविक, डोमिनिक थीम और राफेल नदाल और इसका आंसर होगा नोवाक डिजोकोविक। ऑन सितंबर 21, 2020 नोवाक डिजोकोविक ऑन ए रेकॉर्ड 36th मास्टर टाइटल इन इटालियन ओमेन बाय बीटिंग डिएगो सजर्तमान इन रोम। 21 सितंबर 2020 को डिएगो सजर्तमान को हराकर उनके 36वां इटालियन ओमेन मेन सिंगल टेनिस ट्रॉफी जीता है। डिजोकोविक ऑन 7-5, 6-3 इन द ओपन फाइनल, डिजोकोविक ने इटालियन ओपन का फाइनल 7-5, 6-3 से जीती है। If you like the video, please like, comment, share and subscribe. Dine. Thank you.